तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, 10, 11, 12, 13, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। इस चैप्टर में ना 101% ये क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड्स में, और 10, 11, 12, 13 हमेशा आते हैं बोर्ड्स में। देख लो आप इसके क्वेश्चन के आगे लिखा होगा 2006, 2011, 12, ये हमेशा आते हैं। जरूरी नहीं कि यही है, इसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, पर ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली यही आता है। अब ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि मुझे ये निकालना है, और बोल रहा है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। इसका मतलब क्या है कि जो अंडर रूट के अंदर आने वाला है ना, वो पूरा का पूरा सॉल्व नहीं होगा, उसमें टू पॉइंट मतलब वो उसको मेरे को निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको अभी बताता हूँ मैं उसको सॉल्व करके। देखो तो यहाँ पे ए कितना है 1, बी कितना है मेरे पे -5, और सी कितना है बच्चों मेरे पे -10। तो मैं लिखता हूँ -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2a, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 25 -4 × 1 × -10 अपॉन 2 × 1। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, -5 प्लस माइनस 25 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 10 जा 40 होल अपॉन 2। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों 5 प्लस माइनस अंडर रूट 65 होल अपॉन 2। तो बच्चों अब ये देखो, 65 अंडर रूट 65 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आई बटन पे आप क्लिक करोगे ना, तो देखो आई बटन पे मैंने एक 9th क्लास में, आईसीएसई 9th क्लास में मैंने बताया था ये ट्रिक। तो आई बटन में आप क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। फिर भी मैं, अगर आप नहीं वो एक बार वो जरूर देखना, फिर भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैं एक और बार इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे मुझे 65, अब देखो 65 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसको मैं कैसे करूँगा, देखो अंडर रूट 65, ठीक है। तो अंडर रूट 65 को कैसे किया जाएगा, देखो हम जीनियस क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि भाई शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो मैं इसको कैसे करा जाए। सबसे पहले ना इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अब ये क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया, मैं बताता हूँ आपको, ये अंडर रूट एक्स ऐसा मुझे 65 में ऐसा कुछ लेना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो देखो 65 है यहाँ पर, 65 है, तो 65 के नियर नियर कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है 64 है। तो देखो यहाँ पे मैं अंडर रूट 64 प्लस, अब अंडर रूट 64 में मैं क्या ऐड करूँगी, 65 आ जाए, 1 ही तो करूँगा, प्लस 1, तो वाई क्या हो जाएगा मेरा 1 अपॉन 2 × अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स क्या हो गया मेरे पे 65, 65 60 हाँ सॉरी 64, एक्स तो मेरा 64 ही था ना, 64। तो देखो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, कितना ईजी हो गया बच्चों। देखो मुझे क्या करना होता है, जो अंडर रूट है ना, यहाँ पर अंडर रूट एक्स है, यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर लेना है, और उसमें या तो ऐड करूँगा या तो मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा। देखो 65 था, 65 था तो यहाँ पे 64 लिया, 64 होता है 8 का, प्लस 1 करूँगा तो 65 आने वाला है। तो ऐसे करके मुझे ट्रिक करनी है। मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो अच्छे से। तो ये हो जाएगा देखो 8 प्लस 1 अपॉन 2 × 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 अपॉन 16, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाने वाला है बच्चों, ये एलसीएम लूंगा तो 16 आएगा, तो ये आ जाएगा 128 प्लस 1, तो हो जाएगा 129 अपॉन 16। और बच्चों अगर आप इसको अब डिवाइड करने वाले हो ना, तो इसको डिवाइड करोगे तो बताओ कितना आएगा, 8.0625। देखो कितना इजी हो गया मुझे ये अंडर रूट निकालना 65 का, ये आया। अब मुझे बोला 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए तो मैं इतना ही लूँगा, बोलेगा कि 3 तक चाहिए तो मैं इतना ले लूँगा, बोलेगा 4 तक तो इतना, है ना। तो ऐसे करके मुझे ये करना है। तो देखो अभी मुझे क्या बोला, 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला, तो मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक लूँगा 8.06, है ना। तो मैं ले लेता हूँ 5 प्लस माइनस 8.06 होल अपॉन 2, राइट। तो मैं एक करूँगा 5 प्लस 8.06 अपॉन 2, और एक में करूँगा 5 माइनस 8.06 अपॉन 2। और बच्चों इसको आप सॉल्व करना और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो देखो मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है। अब एक तो ये है शॉर्टकट ट्रिक, अब मैं ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊँगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे।